नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं सिन्हा जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कोरोना वायरस से संबंधित 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई है? वुहान, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वुहान, जो कि चीन में है, और बीजिंग भी चीन में है, शंघाई भी चीन में है, और टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। और तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण से पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WHO ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? 2019 NCOVID, 2019 NCOD, 2019 NCOD, 2019 NCOR। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2019 NCO, ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, चाइना के वुहान शहर के बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले किस शहर में देखे गए? ओसाका, रोम, लेम्बार्टी, शंघाई। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लेम्बार्टी, और लेम्बार्टी जो है इटली में स्थित है, और इटली की राजधानी रोम है। दोस्तों, अगला प्रश्न, इस वायरस को माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कैसा दिखाई देता है? फिश के जैसा, क्राउन के जैसा, बॉल के जैसा, डायमंड के जैसा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्राउन के जैसा। क्राउन का मतलब होता है दोस्तों ताज, यह ताज के जैसा देखने में लगता है। तो आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई? यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों WHO। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और WHO के वर्तमान में जो भी महानिदेशक हैं वो टेड्रोस अदानु हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि COVID-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सिक्किम, असम, केरल, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। पंजाब है जो कि कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य बना, और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहां के राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। तो चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ADB ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? $250 मिलियन, $200 मिलियन, $4 मिलियन, $2 मिलियन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों $200 मिलियन। दोस्तों, यहाँ MD का अर्थ है $1 मिलियन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंडिया ने सार्क COVID-19 फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? $10 मिलियन, $15 मिलियन, $20 मिलियन, $25 मिलियन। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा $10 मिलियन। और सार्क जो होता है, इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और सार्क के 8 सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दान की है? $695 मिलियन, $675 मिलियन, $670 मिलियन, $690 मिलियन। तो दोस्तों, यहाँ USD का मतलब है US डॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, $675 मिलियन। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? $12 बिलियन, $14 बिलियन, $200 मिलियन, $250 मिलियन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों $12 बिलियन, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, ऐसे ही GK के लिए आप कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको किस क्षेत्र में GK चाहिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।